एसएस मिस्ट्रेस जीएमएन संगर प्रतीक कनोलो। माय टुडे टॉपिक इज संसद। जिवें कि असीं जानते हाँ कि संसद नूं अंग्रेजी भाषा में पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट फ्रांसीसी भाषा के शब्द पार्लर तो बनिया है, जिसका अर्थ है गलबात करना। सो संसद एक अजिही संस्था है जिथे साडे द्वारा चुने गए मैंबर राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय विषयां ते गलबात करते हैं। तो संविधान की धारा 79 अनुसार संविधान में व्यवस्था की गई है कि एक संघी संसद होगी, जिस राष्ट्रपति क्रमवार दो सदन राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का मैंबर नहीं होंगे, परंतु फिर भी संविधान की धारा अनुसार और उसनू संसद का हिस्सा मनिया गया है। इसलिए वह संसद मीटिंगा बुला सकता है, उन्होंने प्रधानगी करता है, उन मीटिंगा बर्खास्त भी कर सकता है, पास किए गए कानूनों से प्रवानगी दिता है। सो नवी चुनी गई संसद की पहली बैठक हर साल संसद की पहली बैठक का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद भारतीय संसद इंग्लैंड की संसद की तरह शक्तिशाली या प्रभुता संपन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विषयों पर ही कानून बना सकती है जेडे संविधान द्वारा सौंपे गए हों, तो इस द्वारा पास किए गए कानूनों असी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, तो यह संविधान के बुनियादी ढांचे को सोध नहीं सकती। कुछ संविधानिक सोधों इसमें 1/2 राज विधानसभा की प्रवानगी की लोड़ पैंदी है। दोनों सदनों की शक्तियां भी समान नहीं हैं। लोकसभा हरमन प्यारा सदन होने करके इस दिन शक्तियां वधेरे हैं। वित्तीय बिल पहला लोकसभा में पेश किया जाता है, तो कार्यपालिका भी लोकसभा सामने जिम्मेवार बनाया गया है। दोनों सदनों में मैंबर की नियुक्ति की व्यवस्था भी अलग अलग है। जिमें कि संविधान की धारा 81 अनुसार राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला लोक सेवा में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले 12 मैंबर की नियुक्ति राज्यसभा में करता है, जो कि संविधान की धारा 331 अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के मैंबर की प्रतिनिधता देने 2 मैंबर नामजद करता है। संघी संसद केवल विधानकी कार्य ही नहीं करती, सगो संविधान की धारा 75 के अनुसार कार्यकारी कार्य भी करती है। दोनों सदनों में राजा प्रतिनिधता जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। थैंक यू।